मादक पदार्थ गांजे की चुस्की लेने वाले को पुलिस ने भेजा जेल। खातेगांव थाना क्षेत्र ग्राम संदलपुर की घटना है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक देवास डॉक्टर शिवदयाल सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा, एसडीओपी ब्रजेश सिंह कुशवाहा के मार्गदर्शन में खातेगांव थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती के निर्देशन में मादक पदार्थ बेचने और चुस्की लगाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। खातेगांव थाना क्षेत्र ग्राम संदलपुर की जामनेर नदी के पास मादक पदार्थ गांजे की चुस्की लगाने वाले दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खातेगांव थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती ने बताया कि हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि जामनेर नदी के पास अलग अलग स्थानों पर दो लोग गांजा बैठकर पी रहे हैं, जिसके यहां से निकलने वाले राहगीरों को भी तकलीफ हो रही है। सूचना मिलते ही खातेगांव पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची तो दो लोग हाथ में चिलम लेकर गांजा पीते हुए भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा और नाम पता पूछा तो कैलाश पिता रामचंद्र वाली उम्र 30 वर्ष निवासी सिंगाजी चौक उच्चतरा मैदान संदलपुर एवं राधेश्याम और सेठी पिता शैतान सिंह 25 वर्ष निवासी खैली मोहल्ला संदलपुर बताया। उक्त वीडियो का कृत्य धारा 827 NDPS एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने एवं उनके पास से गांजा पीने की सामग्री जब्त कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर प्रथम अपराध क्रमांक 619/2020 एवं 620/2020 धारा 827 NDPS एक्ट के तहत मामला कायम कर आरोपीगण को जेल भेज दिया है। उक्त सराहनीय कार्य में उपनिरीक्षक RC बिल्लौर, KL राठौर, अरविंद भदौरिया, SI सपना रावत, आरक्षक रवि राव, आनंद जाट, जितेंद्र तोमर, अरुण आर्य, ओम प्रकाश पाटिल, सुमित चौहान, नरेंद्र ससान, सैनिक काशीराम एवं मनीष बाथोल की अहम भूमिका रही। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए देवास से आमीन हसूरी की रिपोर्ट। इसी तारतम्य में ये जामिया नदी पर दो व्यक्ति गांजे की चिलम पी रहे थे, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ भी 8/24 NDPS एक्ट की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा